વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તાજેતરમાં 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ વેસ્ટર્ન રેલવે ડેડિગ્રેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર યોજના અંતર્ગત 1900 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા ન્યૂ પાલનપુર મહેસાણા વચ્ચે 62 કિલોમીટર અને ન્યૂ પાલનપુર ચરોતર વચ્ચે 1400 કિલોમીટર રેલવે ટ્રેક પર માલગાડીનું સંચાલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ બાબત હેલો સૌરાષ્ટ્ર ન્યૂઝ નેટવર્કે પાલનપુર ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત લેતા સ્થાનિક અધિકારીઓએ વધુ વિગતો હેલો સૌરાષ્ટ્ર ન્યૂઝ નેટવર્કને એક મુલાકાતમાં જણાવી હતી, તેમજ આ પ્રોજેક્ટ વિશે વિશેષ માહિતી આપી હતી। અહેવાલ વિજય મકવાણા। મહેસાણા ન્યૂ પાલનપુર ઓર સાથ મે ન્યૂ પાલનપુર ન્યૂ ચરોતર કે જેસે ક્યા ક્યા ભી क्या देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो हमें मालगाड़ियों के लिए गुड्स ट्रेन के लिए डेडिकेटेड हमने ये कलियारा कॉरिडोर बनाया है, जिसमें कि जो गुड्स ट्रेन है वो फास्टर हायर और लॉन्गर, मतलब तेज गति से चलें, लंबी ट्रेन चले और चले उसी ट्रेन चले, इसके उद्देश्य से हमने ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, जहाँ पे कि हमारी एक लंबी लॉन्ग हॉल गाड़ी नहीं चल सकती है, ऊंची मतलब हाइट ज्यादा है, डबल स्टैक कर जा सकते हैं, और फास्टर इसलिए है क्योंकि ये बद तरीके से टाइम टेबल तरीके से हम यहाँ पे गुड्स ट्रेन को चला सकते हैं। टीएससी का रूट कितना है अभी? कुल यहाँ पे लगभग 1506 किलोमीटर का डब्ल्यूडीसी का रूट है, और इस सबसे खुलने के बाद में हमें पालनपुर से चौथा खुलने के बाद में जो पोर्ट हैं, कुंडला पोर्ट है और कांडला पोर्ट है, मुंडला पोर्ट है, उससे हमको कनेक्टिविटी मिलेगी, उसके ट्रैफिक तेज गति से जाएंगे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं न्यू महसाना में, यहाँ पे पिपावा पोर्ट है, वहाँ का जो ट्रैफिक है अब तेज गति से निकल सकते हैं। प्रोजेक्ट का कितना होगा? पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 90,000 करोड़ का इसका एस्टीमेट था, इसमें लाइन को छोड़ के। और दो सेक्शन जो अभी डेडिकेट किए गए हैं पालनपुर से लेके महसाना भांडू और चौहत्तर, इस सेशन के कुल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए। कितना का परिवर्तन का कोई अंदाज है जी? अभी तक का चलो शुरू हुआ, अभी तक का कितना? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 734 किलोमीटर तक का अभी हमने सेशन ओपन कर दिया है आज की डेट में। प्रोजेक्ट कभी खत्म होने वाला है? इस प्रोजेक्ट में अभी तो हमने फेज बी में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बताया है कि 734 खुल चुका है, और अगले महीने हम इसी महीने अक्टूबर के महीने में हम ट्रायल शुरू करेंगे यहाँ से लेकर 900 के लिए, और चरणबद्ध तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। समयबद्ध तरीके से टाइम टेबल तरीके से हम यहाँ पे उस ट्रेन को चला सकते हैं। टीएससी का रूट कितना है अभी? कुल यहाँ पे लगभग 1506 किलोमीटर का डब्ल्यूडीसी का रूट है, और इस सबसे खुलने के बाद में हमें पालनपुर से चौथा खुलने के बाद में जो पोर्ट्स हैं, कुंडला पोर्ट हैं और कांडला पोर्ट हैं, मुंडा पोर्ट हैं, उससे हमको कनेक्टिविटी मिलेगी, उसके ट्रैफिक तेज गति से जाएंगे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं न्यू महसाना में, यहाँ पे पिपावा पोर्ट है, वहाँ के जो ट्रैफिक है अब तेज गति से निकल सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का कितना? पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 90,000 करोड़ का इसका एस्टीमेट था, इसमें लाइन को छोड़ के। और फिर दो सेक्शन जो अभी डेडिकेट किए गए हैं पालनपुर से लेके महसाना भांडू और चौहत्तर, इस सेशन के कुल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़। कितना का परिवर्तन हुआ कोई अंदाज है? अभी तक का चलो शुरू हुआ है। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर में 734 किलोमीटर तक का अभी हमने सेशन ओपन कर दिया है। प्रोजेक्ट कभी खत्म होने वाला है? इस प्रोजेक्ट में अभी तो हमने फेज बी में काम कर रहे हैं, जैसे आपको बताया है कि 734 खुल चुका है, और अगले महीने हम इसी महीने अक्टूबर के महीने में हम ट्रायल शुरू करेंगे यहाँ से लेकर 900 के लिए, और चरणबद्ध तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं।